अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जो आज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का 9th क्लास का फिजिक्स का पेपर है हुआ है थ्योरी का, साइंस ग्रुप का, वो आपके साथ शेयर करूँगा और इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ के ऑप्शन भी आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कितने हद तक हमारा पेपर लगा है। सबसे पहले एमसीक्यूज है 250 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 0.25 केजी। ठीक है, आप 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 बचेगा। अच्छा, दूसरे में ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें चार हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वान्टिटी, तो फोर्थ जो है वो वेक्टर क्वान्टिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इफ़ अ गैस इज़ हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर देन, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये होंगी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इंक्रीजेस क्वान्टिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.2। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, तो स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है। द प्रेशर इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज gr। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर क्वान्टिटी ऑफ वेट। ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम्स लिक्विड, कंडेंसिंग जो होती है उसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड बन जाती है। एन ऑब्जेक्ट विथ पार्टिकल्स क्लोज टूगेदर एंड वाइब्रेटिंग डिस्क्राइब्ड एज सॉलिड्स। If the velocity of an object decreases, the acceleration is called retardation. Which one of the following is a natural satellite, Earth? It is the known renewable energy source, natural gas. If a body of mass 1 kg is moving with a velocity of 1 meter per second, then its kinetic energy will be 0.5 joule. Evaporation occurs at all temperatures. Friction opposes motion between two bodies in contact because of roughness on surfaces. The amount of heat needed to convert a substance from liquid to gas is called latent heat of vaporization. A pair of unlike parallel forces having different lines of force produces a couple. The center of gravity of a uniform rod is at the center of rod. If a force of 6 Newton displaces an object 3 meter in the direction of force, then work done will be 18 joules. उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको देख लेते हैं कि तीन आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन जो थी, ब्रांचेस के नाम है, ब्रांचेस को डिफाइन करना था आपने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ड्राइव द इक्वेशन एफ इक्वल्स टू एम ए। डिस्क्राइब थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। डिफरेंस करना था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हीट और टेम्परेचर में। एनी थ्री एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, स्टेट पास्कल लॉ, हुक्स लॉ, चार्ल्स लॉ। उसके बाद ये आपके पास न्यूमेरिकल्स गिवन है आपको और ये तकरीबन तमाम वही न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके हमने जो आपको थे गेस्ट पेपर में दिए थे, तकरीबन वही आए हैं। उसके अलावा लॉन्ग अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, उसके बाद बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा वाली आपके पास सवाल आया है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, और उसके बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपने डिफाइन करना था, और उसके अलावा आपने पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच को जो था वो ड्राइव करके दिखाना था। तो ये था आज का फ्रेंड पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छा हुआ होगा और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गेस्ट पेपर में से इसमें से पेपर लगा है। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने करेक्ट ऑप्शन देख सके। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।